हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग होम 24। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 3 मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, उसको इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से संबंधित होंगे। और ये आपके आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है जितने भी आज अभी एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें करंट अफेयर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो इसलिए हमने आज जो है लास्ट 3 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है इसमें कवर किए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा, जो 2018 का मैन बुकर प्राइज़ है वो किन्हें प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, जो एना बर्न्स हैं उनको, जो उनका नोबल मिल्कमैन है, उनके लिए जो ये प्रदान किया गया है मैन बुकर प्राइज़ मिल्कमैन, और ये ब्रिटेन की जो है काफ़ी जो है फेमस राइटर हैं एना बर्न्स। ठीक है दोस्तों, यह याद रखना है आपको, 2018 का मैन बुकर प्राइज़। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी जो अभी गुजरात में बनाया गया है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ये पूछ रहा है कि वह जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किस फ्रीडम फाइटर को समर्पित है। तो दोस्तों, ये जो है इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो इस मोनूमेंट की ऊंचाई है वो है 182 मीटर, और ये विश्व में सबसे ऊंची अभी जो मोनूमेंट बन चुका है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है नर्मदा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि जो 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप है उसका जो ऑफिशियल मास्कट है वो क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ओली। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, जो 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है इंडिया में। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया में इसका आयोजन किया गया है और ओली इसका मास्कट है। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, US ओपन का जो वुमेन सिंगल फाइनल है वो किसने जीता। और दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि पहली बार जापान के किसी टेनिस खिलाड़ी ने इसको जीता है, तो उसका आंसर होगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने सरेना विलियम्स को हरा के ये खिताब जीता है, और ये पहली बार जीता गया है जापान के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ जो US ओपन मैन का सिंगल का खिताब है वो जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है दोस्तों, मैन सिंगल और वुमेन सिंगल, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु लॉन्च्ड द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अक्रॉस इंडिया, यानी जो अभी पोस्ट पेमेंट बैंक है उसका उद्घाटन किया है वो किया है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये कहाँ से किया है ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये किया गया है न्यू दिल्ली से। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली से किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके जो 46वें चीफ जस्टिस हैं कौन बने हैं, तो इसका आंसर होगा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो हैं वो 46वें जो हैं चीफ जस्टिस बने हैं, और इससे पहले उन्होंने रिप्लेस किया है दीपक मिश्रा को। ठीक है फ्रेंड्स, दीपक मिश्रा को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 2018 का शांति का नोबल है वो किसे प्रदान किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा नादिया मुराद को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो नादिया मुराद है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, नादिया मुराद जो है वो इराक की हैं, और इन्हें जो है इस बार का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, जो इस बार का पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कि इस बार नोबल प्राइज़ किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया गया, तो वो किया गया है, नहीं किया गया है नो लिटरेचर में, यानी साहित्य का नोबल इस बार नहीं दिया गया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो नोबल है ये शेख क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, शेख क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, और इस बार जो है साहित्य में प्रदान नहीं किया गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछ रहा है कि जो इंडिया का 2018 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा, यानी कौन सा इंडिया की रैंकिंग कौन सी थी। तो दोस्तों ये आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, जो इंडिया का इस बार काफ़ी ख़राब प्रदर्शन था, क्योंकि इंडिया का जो है 103वां रैंक आया है, और ये इसमें जो टोटल कंट्रीज़ थी वो थी 119। ठीक है फ्रेंड्स, और 119 कंट्री थी, और जो 2014 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी
55। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो इस बार कितना ख़राब प्रदर्शन किया है इंडिया ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैत्री युद्धाभ्यास था वो किन दो देशों के बीच, यानी इंडिया और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया थाईलैंड के बीच में, इंडिया थाईलैंड। दोस्तों जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनको काफ़ी ध्यान से देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो भारत में किस राज्य ने इसमें टॉप किया है, यानी प्रथम रैंकिंग है, तो वो है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो रैंकिंग है किसके द्वारा दी जाती है, ये दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडिया का पहला एथलीट जिसने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है एशियाड गेम में, तो दोस्तों इनका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। इन्होंने जीता है एशियाड में जेवलिन थ्रो में गोल्ड, और दोस्तों इन्होंने हाल ही में जो एशियन गेम्स हुए थे उनमें भी गोल्ड जीता है इंडिया के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फॉर्मर पीएम थे, यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है 16 अगस्त 2018 को, उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, वो ली थी 1995 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1995 में, और इन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उनके जो नए चेयरमैन हैं वो किन्हें नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया है एन रवि को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, एन रवि को नियुक्त किया गया है नया चेयरमैन पीटीआई का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, यानी जो आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल है उन्हें किन्हें बनाया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा एसएस देसवाल। ठीक है फ्रेंड्स, एसएस देसवाल को आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम फिफ्थ इंडियन टू बी इंडक्टेड इनटू हॉल ऑफ फेम, आईसीसी हॉल ऑफ फेम। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम है उसमें अभी जो 5वें भारतीय खिलाड़ी को उसमें शामिल किया गया है, तो उनका आपको नाम बताना है, तो दोस्तों वो हैं राहुल द्रविड़। ठीक है फ्रेंड्स, अभी भारत के हैं जो सिर्फ 5 खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हैं, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया के 25 जो भूतपूर्व क्रिकेटर हैं उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और जो भारत के 5वें खिलाड़ी बने हैं वो बोले हैं राहुल द्रविड़। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारसुगुड़ा एयरपोर्ट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, उड़ीसा में हो गया कि जो झारसुगुड़ा एयरपोर्ट है वो उड़ीसा में स्थित है, और इसका जो शिलान्यास किया है वो किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है किस भारतीय राज्य ने हाल ही में सौर जलनिधि स्कीम का जो है शिलान्यास किया है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा उड़ीसा ने। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो ये सौर जलनिधि स्कीम है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसमें जो है जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है वो किसानों को 5000 जो है सोलर पंप प्रदान किए जाएंगे, और उनको 90% जो है सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है सौर जलनिधि स्कीम। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट WHO ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ वाज हेल्ड इन विच सिटी, यानी जो WHO की जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी एयर पोल्यूशन और हेल्थ में वो कहाँ हुई थी, ये आपको बता रहा है, वो हुई थी जनेवा में। ठीक है दोस्तों, और WHO का जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी धर्मा गार्डियन 2018 वो इंडिया और किस जो है कंट्री के बीच में की गई युद्धाभ्यास सैन्य, तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंडिया और जापान के बीच में। ठीक है, जो है धर्मा गार्डियन है वो जो फर्स्ट है एक अपने एक ही प्रकार में, तो दोस्तों जो धर्मा गार्डियन 2018 युद्धाभ्यास है वो किया गया इंडिया और
जापान के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2018 नेशनल आयुर्वेदा डे, यानी जो नेशनल आयुर्वेदा डे है उसकी 2018 की थीम क्या थी। और दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो नेशनल आयुर्वेदा डे है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जो ये आयुर्वेदा डे है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, 5 नवंबर को मनाया जाता है। और ये पूछ रहा है कि इसकी थीम क्या थी, जो नेशनल आयुर्वेदा डे थी 2018 की थीम क्या थी। तो दोस्तों इसका आंसर है आयुर्वेदा फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए नेशनल आयुर्वेदा डे की थीम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको पता है पत्रकारिता क्षेत्र में राजा राम मोहन जो अवार्ड दिया जाता है वो इस बार 2018 का अवार्ड किसे दिया गया, तो दोस्तों ये दिया गया एन राम को। ठीक है फ्रेंड्स, जो एन राम है वो द हिंदू, जो आपको पता है काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है, उनके ये जो काफ़ी फेमस पत्रकार रह चुके हैं, तो इनको ये जो है राजा राम मोहन रॉय अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको पता है हाल ही में जो सिग्नेचर ब्रिज है उसका उद्घाटन किया गया, तो ये जो सिग्नेचर ब्रिज है ये कौन सी सिटी में स्थित है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा दिल्ली। जो दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज है उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों जो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था 2007 में। ठीक है दोस्तों, और ये 2018 में बनकर तैयार किया गया है लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो लोकसभा के नए अभी सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं उनका नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, जो लोकसभा के नए सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, और जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं सुमित्रा महाजन। ये आपको दोनों याद रखने हैं, नए सेक्रेटरी जनरल स्नेहलता श्रीवास्तव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी जो कंपटीशन कमीशन यानी CCI है उनके नए जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो किन्हें नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा अशोक कुमार गुप्ता को नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों जो फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन अवार्ड जो है वो है नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, वो किस भारतीय को प्रदान किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा जवाहरलाल सरिन। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ये फ्रांस का सबसे जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों अभी जो है ये पूछ रहा है बायलैटरल एक्सरसाइज जो है समुद्र शक्ति वो इंडिया और किस जो है देश के बीच की गई, तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंडोनेशिया और भारत के बीच में ये समुद्र शक्ति जो है बायलैटरल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अप्रूव्ड अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर विच स्टेट। देखिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग हाई कोर्ट की नियुक्ति की गई है, क्योंकि ये जो पहले आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो था हैदराबाद हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, बट जो है अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब उसके लिए जो आंध्र प्रदेश के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट बनाया गया है। और अभी जो हाई कोर्ट की संख्या है भारत में वो कितनी हो गई है, 25। ठीक है दोस्तों, पहले ये 24 थी, अब ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बनने के बाद ये होगी 25। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अभी आपको पता है जो अयोध्या है, ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि जो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करके अयोध्या किया गया, तो दोस्तों इसका आंसर होगा फैज़ाबाद। आपको पता है जो फैज़ाबाद है उसका जो अब नया नाम है वो है अयोध्या। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है अयोध्या क्या है, वो जो सैटेलाइट है वो किस से रिलेटेड है, यानी वो वेदर कम्युनिकेशन एजुकेशन फार्म मैपिंग, तो दोस्तों इसका आंसर होगा
कम्युनिकेशन से, ठीक है, जो रूरल एरिया है उनमें जो है कम्युनिकेशन को जो है बेहतर बनाने के लिए इस जो है सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, GSAT-29। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किया इसरो ने लॉन्च किया है सतीश धवन सेंटर से, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, TN श्रीवासन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से रिलेटेड थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा इकोनॉमिक्स से, ये काफ़ी बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन रेसलर वाज रैंक्ड वर्ल्ड्स नंबर वन रैंकिंग 65 kg कैटेगरी, यानी जो 65 वेट कैटेगरी है उसमें भारत के किस जो है रेसलर को नंबर एक रैंकिंग प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बजरंग पुनिया, ठीक है दोस्तों, इन्होंने अपने करियर का सबसे जो है शानदार प्रदर्शन करते हुए नंबर एक रैंकिंग हासिल की है 65 kg कैटेगरी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल वाज इनोग्रेटेड ऑन विच रिवर, यानी जो इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल है वो भारत के किस नदी पर किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गंगा रिवर पे, ठीक है दोस्तों, गंगा रिवर में इसका आयोजन किया गया। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो देखिए दोस्तों, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो एक संवैधानिक बॉडी होता है, और जो इसका नियुक्ति करता है वो करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका आंसर होगा सुनील अरोड़ा जो हैं अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित जो हैं नियुक्त किए गए हैं, और इनको नियुक्त किया है श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन रिकॉर्ड 6 गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन? देखिए दोस्तों, ये इंडिया के लिए काफ़ी प्राउड का मोमेंट है, क्योंकि जो सिर्फ भारत की नहीं विश्व की जो है पहली महिला जो है बॉक्सर हैं जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और दोस्तों ये संयुक्त रूप से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है दोस्तों, उनमें इन्होंने टॉप किया है, अभी टॉप में वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जो क्यूबा के फेलिक्स सैबोना हैं उनके साथ ही ये संयुक्त रूप से अब टॉप पर हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा मैरी कॉम, जिन्होंने अभी हाल में ही अपना कैरियर का 6 जो गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर इंडिया हेड ऑफ मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ऑन 21 नवंबर 2018? यानी जो इंडिया की, जो आप लोगों को पता होगा व्हाट्सएप इंडिया के जो हेड के रूप में जो है नियुक्त किए गए हैं, वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अभिजीत बोस को, ठीक है फ्रेंड्स, अभिजीत बोस जो है सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासाज रोबोटिक लैंडर ऑफ सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मार्स ऑन 26 नवंबर 2018? यानी जो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि नासा ने अभी हाल में जो है एक अपना जो रोबोटिक लैंडर है उसको मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक जो है उतारा है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों उसका आंसर होगा इनसाइट, इसको जो है मंगल ग्रह के जो आंतरिक हिस्सों का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर होगा इनसाइट, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन सिटी इज़ होस्टिंग द मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2018? यानी जो 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप है वो कौन सा भारत का जो है शहर आयोजित करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है उसमें ये आयोजित किया जाएगा हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 49th इंटरनेशनल फेस्टिवल है वो किस भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया? दोस्तों ये किया गया गोवा में जो है आयोजित किया गया 49th, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ UPSC? यानी UPSC के जो नए चेयरमैन हैं किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अरविंद सक्सेना। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए किस आर्टिकल के तहत जो है UPSC के चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है, तो वो की जाती है आर्टिकल 316, ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट, यानी जो G20 समिट है वो किस कंट्री द्वारा आयोजित किया गया, तो ये किया गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल जो ब्यूनस आयर्स है उसमें आयोजित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, G20 समिट, सो ये वर्ल्ड की टॉप जो 20 इकोनॉमिक्स है वो इसमें हिस्सा लेती हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो इंडिया ने हाल ही में हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, और जो लॉन्च व्हीकल था उसका नाम था PSLV C-43, और दोस्तों इसका नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा हाइसिस। इंडिया ने इसके अलावा जो है 30 जो अन्य उपग्रह हैं, 8 जो अलग अलग देश हैं उनके जो है सैटेलाइट को भी लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हाइसिस इसका आंसर होगा, और ये जो सबसे ज़्यादा इसमें सैटेलाइट इंडिया लॉन्च किए हैं वो किए हैं USA के 23। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे कुछ आज के जो लास्ट 3 मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे इस वीडियो में आपको देखा, और दोस्तों ये काफ़ी आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।